हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक गाइस। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और आज ईद का दिन है, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक सैयदा शहर की तरफ से। और ये हमारे घर में बन रहा है मीठा, और छोटी बहन बना रही हैं मीठा। आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बना रहे हैं आज हम मीठा, बिल्कुल अलहदा तरीके से बना रहे हैं हम मीठा आज। और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ये इसका बना रही हैं ग्लेटनिंग का, इसको मिक्स कर रहे हैं। इसके 3 चम्मच डाल, इसके 3 चम्मच डालने हैं तो ये ठीक हो जाएगा, फेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिक्स कर रही हैं हमारी छोटी बहन। और ये क्या किया सुमेरा आपने? छोटी बहन ये क्या किया? वीडियो कोकोनट मिल्क और कोकोनट मिल्क के कुमेल है, ये कुमेल है, कुमेल है, इसको मिक्स किया है। और कोकोनट मिल्क इन्होंने इसमें मिक्स किया है। तो नए तरीके का आज मीठा बना रहे हैं। तुम्हारा डब्बा गाय मिठाई का, मेरे डब्बे मिठाई। ये मीठा बन रहा है, आप देखें, आप भी, आपका भी दिल करे तो कभी बनाइएगा, ठीक है ना। ख़त्म हो चुकी है माचिस। और इसको जो है ना मिल्क मिक्स करके, तो इसको नुक्तों पे बना रहे हैं बिल्कुल लाइटली। बिल्कुल डिफरेंट मीठा है ये, बिल्कुल हमारे घर में मीठा एक आम तौर पे नहीं बनता, रिवायती तौर पे हम अलहदा अलहदा मीठा बनाते हैं। इसको कितने मिनट तक पकाना है? इसको सिर्फ गरम होना, लाइट गरम पकाना नहीं है, इसको सिर्फ लाइट गरम करना। और ये हो चुका है, पहले ये गाढ़ा था, अभी ये पतला देखे होता जा रहा है। ये देखे गरम है, गरम रीमा। और ये रीमा आई है ईदी मिलने, ये मिठाई लेके आई है घर पे। आज रीमा और दानिश ईद मिलने के लिए आए हैं पहली ईद को, वरना आते हैं दूसरी ईद को बेचारों को। तो इनके लिए भी कीमा रखो बेटा। ये क्या है? जेली, ये रेड कलर की जेली जमाई हुई है, थोड़ा सा ऑयल होगा। ये देखो, ये जेली है, ये इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया, एक दो कतरे इसके ऑयल के लगेंगे। कितना? एक दो चम्मच डला होगा? दो तीन कतरे, सिर्फ इसको 3 ड्रॉप खाली इसमें डालने हैं, चिकना करना, चिकने करने के लिए, ताकि नहीं जमे ना। चिकने करने के लिए नहीं, चिकना करने के लिए। कोई नहीं है वो, हम अच्छे स्कूल में पढ़ा पढ़ा के करते हैं, ये कोकोनट मिल्क, ये और कुमेल दोनों मिक्स किए हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये दोनों मिक्स किए हैं, ये दोनों, ये देखें, ये जेली काट रही है बारीक बारीक क्यूब्स टाइप की काट रही है, ये इसमें डाल रहे हैं।
दाल चावल तो पका लो रोजा ईद के बाद खा लियो दाल चावल। ये तो बहुत बड़े क्यूब्स है ऐसे ही है। तो मैं फूड पॉइंट से दाल चावल मंगा के दे दी ईद वाले दिन। देखें क्यूब्स काटे बड़े बड़े। अब ये येलो कलर की जेली है। बहुत बड़े पीस बनाए खाओगे जो पता चलेगा इतना अच्छा लगेगा। ये देखें कितने बड़े बड़े क्यूब्स बनाए जैसे बर्फ के क्यूब्स होते हैं वैसे ही जिंदगी के बने। पहले रेड कलर की डालिए फिर येलो कलर की अब ग्रीन कलर की। मेरा तो छोटे करो बहुत बड़े बड़े हैं। इसको ऊपर रख दो फायदा देख सारे गरम पे रखना है कि नहीं करोगे खाने के लिए बेटा भाई आगे रोटी तो ये क्या पड़ा है देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका रेड येलो ग्रीन और अब उसको इसमें मिक्स कर रहे कोकोनट ऑयल में और कुमेल के अंदर वो मिक्स किया है ये वाला पैकेट ठीक है। इसको थोड़ा सा गर्म करके सही तरह साफ करो ये अभी हैगा इसमें आज मीठा अलहदा तरीके से बन रहा है। ये अब इसके अंदर शिफ्ट हो रहा है अब दूसरी तेल लग रही है। ये फायदा भी होस्टिंग करने लग गई है बड़ी मेहनत कर रही है मम्मा अपनी वीडियो बनाने में अपना चैनल बनाने में मेहनत कर रही है। मीठे का नाम बता दो पहली बार बना है पहली बार खाए ये फर्स्ट टाइम मीठा बन रहा है और इसका नाम क्या है तुम्हारा अल्पीनी नाम है इसका अल्पीनी अल्पीनी मीठा मशहूर। ये देखें माशाल्लाह कितना कलरफुल है कितना खूबसूरत कलर आ रहा है मोस्टली तैयार हो चुका है बस थोड़ी सी देर है इसको हाथ धोए थे। बड़ी प्यारी वीडियो बनी है नहीं मीठे हो रहे ना ये सब साफ करके इसमें डालो अपना और इसको थोड़ा सा मिक्स थोड़ा सा इसको हिलाया है ताकि ये नीचे तक जाए। अब इसको फ्रिज में रखा अब इसको फ्रिज में कितनी देर रखना है